दोस्तों मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। लापरवाही का दूसरा नाम सिरसा का सरकारी हॉस्पिटल होता हुआ नजर आ रहा है साथियों। लगातार दिन प्रतिदिन सिरसा का सरकारी हॉस्पिटल लापरवाही पे लापरवाही करते जा रहा है। ऐसी कहानी सिरसा के शिव चौक निवासी के साथ होती है, जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम वेद प्रकाश है सर, और मैं इंद्रपुरी मोहल्ले से हूँ सर। मेरी गुड़िया है 3 साल की, काव्या नाम है सर। मैंने आज उनको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो वो बोलते हैं, उन्होंने पर्ची बनाई, कहते 14 नंबर में डॉक्टर नहीं मैडम बैठे हैं, वहाँ से आप दिखाओ। तो मैंने मैडम को दिखाया, तो उन्होंने कुछ ये दवाइयाँ लिखी थी सर, ये 3 दवाइयाँ, ये देखो सर, ये लिखी हैं। तो वो बोलते हैं कि ये 3 दवाइयाँ में से आपको एक दवाई विंडो से यहाँ अंदर से मिल जाएगी, मेडिकल से, बाहर से 2 दवाइयाँ बाहर से मिलेंगी। मगर चलो ठीक है, मैं एक दवाई, उन्होंने मुझे ये दवाई है सर जो उन्होंने मुझे दी है, वो इसमें लिखी ही नहीं हुई, ये किसी बड़े आदमी की दवाई है जो कि 3 साल के बच्चे की कह के मुझे दे दी गई, और बोलते हैं कि दिन में 3 टाइम इसको गुड़िया को दे दी जाए। मगर ठीक है, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, उन्होंने जैसा कहा मैंने मान लिया। तो मैं ऊपर स्टाफ में गुड़िया को एडमिट किया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो बोलते हैं कि ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, और उन्होंने 2 शीशियां ब्लड के जो होती हैं ब्लड निकालने वाली, उन्होंने निकाला और स्टाफ ने निकाला और मुझे दिया। मुझे कहते 25 नंबर कमरे में ये दे के आओ। मैं 25 नंबर कमरे में देखने चला गया, 11:30-12 बजे मैंने सैंपल दिए, वो कहते हैं कि रिपोर्ट आएगी 2-2:30 बजे के बाद। मगर चलो ठीक है, जब मैं रिपोर्ट लेने जाता हूँ तो बोलते हैं कि अभी नहीं आई, घंटे के बाद आना। मगर चलो ठीक है सर, फिर मैं दोबारा घंटे के बाद रिपोर्ट लेने गया, तो फिर मुझे रिपोर्ट नहीं दी जाती है, बोलते हैं कि अभी भी नहीं आई, अभी भी टाइम लगेगा। ठीक है जी, 5 बजने को आ गए, तो ऊपर वाला स्टाफ है जो नर्सिंग स्टाफ है, वो मुझे कहते हैं कि आपकी रिपोर्टें नहीं आई, आप क्या क्यों लापरवाही कर रहे हो, वो मुझे धमकाने लगे। तो मैं नीचे गया, तो वहाँ बैठे थे उदयवीर, उदयवीर नाम है उनका। तो मैंने उनको कहा भैया मेरी रिपोर्ट है काव्या नाम से, वो पहले तो इग्नोर कर रहे थे, कुछ और ही अपने फ़ोन में लगे हुए थे, इग्नोर कर रहे थे। तो मैंने उनको वेट करके फिर मैंने दोबारा कहा उनको, मैं भैया रिपोर्ट नहीं आई। बोलते हैं चेक करके, चेक भी नहीं किया उन्होंने, वैसे ही कागज़ अपने फ्रोल के, और बोलते हैं कि ये सैंपल दोबारा देने पड़ेंगे। मगर रीज़न क्यों देने पड़ेंगे? बोलते हैं कि बस सैंपल देने पड़ेंगे, सुबह से लाइट नहीं थी। मगर चलो मान लिया, 152 नंबर मेरा था, 151 तक लाइट नहीं थी, मान लिया सर। ठीक है जी, उसके बाद 152 के बाद 153, 154, 155 को छोड़ के 167, 168 तक रिपोर्टें दी जा रही हैं, और 152 ही नहीं है, ये मिसिंग है। अपनी लापरवाही और अपनी गलती छुपाने के बावजूद वो अपनी गलती छुपाई जा रहा है, और मेरी तो सुन ही नहीं रहा। मुझे कहता कि सैंपल दोबारा देना पड़ेगा। मैं यही बात लेके डॉक्टर के पास गया नर्सरी में, तो वहाँ सरदार जी कम्बोज डॉक्टर हैं, तो उन्होंने फ़ोटो खींच के उनके हेड को भेज दी। ठीक है सर, तो मैं बाहर आया, मुझे लगा कि वो भी ऐसे कार्रवाई नहीं करेंगे, वो कहते हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर काम का, तो काम करोगे तो प्रेशर तो होगा, ठीक है ना जी। अब हम तो सैंपल लेके अपना निकालने से रहे। तो उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, तो मुझे एक डॉक्टर साहब जो सुबह 14 नंबर कमरे में आए थे, उनके साथ उनके 2 स्टाफ भी थे, तो वो मुझे दिखे, तो मैंने उनको वो बात बताई, वो हंसने लगे, कहते कोई बात नहीं, प्रेशर बनता है, कई जिम्मेवारी हमारी भी होती है। मैं चलो ठीक है सर, वो प्रेशर बन गया। तो मैंने उनको ये दिखाया, मैं कहा सर ये रिपोर्ट, मैं कहा ये दवाई इन्होंने कहीं लिखी है? कहते नहीं लिखी। मैं कहा फिर ये गुड़िया को दी गई है? कहते गुड़िया को दी गई है, कहते ये तो है ही नहीं है। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि जो ट्रेनिंग वाले हैं उनको बैक साइड करो, और जो सीखे हुए हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, वो आगे रहो। अब ये देखो सर, अगर मान लो अगर मैं ये दवाई गुड़िया को पिलाऊँ, तो कोई जैसे अब उसके जो दिक्कत है, अगर दिक्कत और बढ़ जाए, फिर अगर कल को कुछ होता है, ये प्रशासन जिम्मेवारी लेगा? अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हो? मैं तो ये मांग रखना चाहता हूँ कि जो परसों का प्रोग्राम है, कहते हैं अनिल विज जी आ रहे हैं, ठीक है जी, और गणेशी लाल जी भी आ रहे हैं, अगर उन दोनों में से कोई भी आता है, भलाई कोई नहीं भी आता, उनका कोई निजी भी आए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग आते हो तब ये तैयारियाँ होती हैं, ठीक है, ये देखो कितनी सफाई है, कुछ भी है, इतनी व्यवस्था की जाती है। आप ना होते हो तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ना सुनवाई होती है, ना पर्चियाँ कटती हैं, ठीक है, ना यहाँ सफाई है। पहली बात तो गरीब बंदे की कोई सुनवाई नहीं है, उसके साथ बिल्कुल रूडली व्यवहार किया जाता है, उसको धमका दिया जाता है, उसको बोलने ही नहीं दिया जाता,
उसको तो बस ये कह दिया था उस कमरे में जाके वो काम करके, अगर वो आके बेचारा ये कह दे कि मैडम वहाँ पे वो बंदा नहीं मिला या पे, तो फिर उसको दोबारा धमका के वापस वहीं भेजा जाता है कि हम क्या करें, वहाँ पे जाओ उसको देख के आओ, वो वहीं मिलेगा फलानी है। देखिए उसको अच्छी राह पाओ, उसको प्यार से बोलो, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी देखो, अगर ये तो चलो मेरे साथ है, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो वो के स्टाफ ही कह दिया, स्टाफ ने ये दवाई दी और स्टाफ ही बोलता है कि ये दवाई हमने लिखी नहीं है इसमें। अगर कल को किसी और के साथ होता तो फिर कौन जिम्मेवारी लेगा? अनिल वीर जी लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से दो दिन बाद, ठीक दो दिन बाद हरियाणा सरकार के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में आना है, लेकिन उससे ठीक दो दिन पहले सिरसा का सरकारी हॉस्पिटल बहुत बड़ी लापरवाही कर देता है। यहाँ पर छोटी बच्ची का सैंपल लिया जाता है और वो गायब कर दी जाती है, और इसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है तो दवाइयाँ नहीं मिलती, और जो दवाई मिलती है तो वो बड़े आदमी की दवाई दे दी जाती है। क्या अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री इन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे? सबसे बड़ा सवाल। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया। जो पेशेंट के अटेंड मेरे सामने हैं, हो सकता है कि ये बच्ची के फादर हों, इन्होंने बात की मेरे से, मैंने इनकी सारी बात सुनी है, जिसमें तीन दवाइयाँ लिखी हुई है और एक दवाई इनके हाथ में है जो कि साल्ट सेम है और उसमें दवाई में कोई कमी नहीं है, बच्चों के बड़ों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सेम दवाई है। बाकी दो ये बता रहे हैं कि नहीं मिली, उसके बारे में तो देखो ये जानते हैं, मैंने नहीं देखा, और उन्होंने कहा कि हम बाहर से लेके आए, इन्होंने कहा है, ठीक है। दूसरी जहाँ तक बात है रिपोर्ट की, इनको भी पता है और ये बता भी रहे हैं कि आज लाइट की प्रॉब्लम की वजह से रिपोर्ट नहीं बनी है, और रिपोर्ट एक तरह की नहीं है, रिपोर्ट कई तरह की होती है। अब इनकी रिपोर्ट हो सकता है उनसे अलग हो जिन लोगों को रिपोर्ट मिली है, तीन चार तरह की मशीनें हैं अलग अलग रिपोर्ट करती है। नहीं अभी तो, रात तक नहीं मिली, अभी 9 बज गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली। अभी तक इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में सुबह जो इनके इंचार्ज है लैब के उनसे बात करेंगे। और तीन दवाइयां लिखी जी, दो दवाइयां नहीं मिली, तो इसका कारण क्या है जी, दवाइयां क्यों नहीं मिलती, डॉक्टर लिख देते हैं? इसके बारे में मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बाकी दवाई ना मिली हो, क्योंकि इस तरह की दवाई आती है हमारे पास, और ये फार्मेसी से सुबह पता करके हम इनको बताएंगे। अगर दवाई नहीं मिली तो क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा? जो अगर हमारे पास दवाई की शॉर्टेज है, हम गवर्नमेंट को लिखेंगे दवाई के बारे में कि ये इस दवाई की शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट अवेलेबल कराए इसको।